चर्चा यहाँ आज भी रात में होती है रासलीला। मैं हूँ रामप्रसाद और आज बात करने वाला हूँ निधि वन के बारे में कि आखिर निधि वन का रहस्य क्या है, क्या सच में रास रचाने आते हैं राधा और श्री कृष्ण। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थल है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी आधी रात के बाद रास रचाने आते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे ही प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा ही मिलते रहें। और चलिए आगे जानते हैं। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि में विश्राम करने के लिए आया था तथा प्रसाद भी ग्रहण किया होता है। लगभग 2.5 एकड़ क्षेत्र में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत है कि इनमें से किसी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। निधिवन परिसर में संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंगमहल, बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल, राधा रानी बंसी चोर आदि दर्शनीय स्थल हैं। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे पुजारी गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को जानकारी ना दे सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर में मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात के वक्त रुकता है वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है और उनकी समाधियां परिसर में ही बनी हुई हैं। इसी के साथ गाइड यही बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गुथे हुए हैं वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंगमहल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 पर रंगमहल का पट खुलने पर उनके लिए रखी दातून गीली मिलती है तथा सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात्रि में कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। वास्तुगुरु कुलदीप सरोजा बताते हैं कि सच तो है कि निधिवन का वास्तु ही कुछ ऐसा है कि जिनके कारण यह स्थान रहस्यमय सा लगता है। इस स्थिति रात के वक्त भूल कर भी नहीं जाना इस जंगल में। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला आज भी होती है। गोपियां आज भी वृंदावन में आती हैं और कृष्ण जी आज भी रास रचाते हैं। यह पवित्र जगह मथुरा का निधिवन है। रात होते ही निधिवन का रहस्य गहरा जाता है। दिन में यह जगह जितनी गुलजार रहती है रात होते ही यहाँ इंसान दूर दूर तक नहीं दिखता है। रात होते ही यहाँ इंसान तो दूर की बात है, उल्लू और टिटियां भी कदम नहीं रखते, रासलीला करते हैं। खास बात यह है कि रासलीला देखना मना है, इसलिए वन के आसपास घरों में खिड़कियां नहीं होती। मथुरा जिले के वृंदावन में लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। इसी वृंदावन में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसको लेकर मान्यता है कि वहां हर रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रास रचाने आती हैं। निधिवन के नाम से पहचानी जाने वाली इस जगह को लेकर कई ऐसी मान्यताएं हैं जिन पर विश्वास करना कठिन है। गीली दातून और बिखरा हुआ बिस्तर। निधिवन में मौजूद पंडित और महंत बताते हैं कि हर रात भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में उनका बिस्तर सजाया जाता है, दातून और पानी का लोटा रखा जाता है। जब सुबह मंगला आरती के लिए पंडित उस कक्ष को खोलते हैं तो लोटे का पानी खाली, दातून गीली, पान खाया हुआ और कमरे का सामान बिखरा हुआ मिलता है। शाम होते ही सब छोड़ देते हैं ये वन। पौराणिक मान्यता है कि निधिवन बंद होने के बाद भी यदि कोई छिपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह पागल हो जाता है। मंदिर के महंत और आसपास के लोग इससे जुड़े कई किस्से बताते हैं। उनके मुताबिक जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधिवन में छिप गया था। जब सुबह निधिवन खुला तो वह बेहोश अवस्था में पाया गया। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। ऐसी ही कई भक्तों की कहानियां वहां प्रचलित हैं। दावा यह भी किया जाता है कि वहां मौजूद पशु पक्षी भी, यहां तक कि चींटी भी शाम होते ही बंद छोड़ देते हैं। जमीन की ओर बढ़ते हैं पेड़। निधिवन में मौजूद पेड़ भी अपनी तरह से बेहद खास हैं। जहां आमतौर पर पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। इन पेड़ों की स्थिति
ऐसी होती है कि रास्ता बनाने के लिए उनकी शाखाओं को डंडे के सहारे फैलाने से रोका जाता है। रात के वक्त भूल कर भी नहीं जाना इस जंगल में। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला आज भी होती है, गोपियाँ आज भी वृंदावन में आती हैं और कृष्ण जी आज भी रास्ता चाहते हैं।